नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम लोग इसे निश्चित आर्टिकल भी कहते हैं, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन का क्या चक्कर है। दोस्तों, हम लोग जैसे ए का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तभी अगर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करें तब हम लोग कहेंगे दा, है ना। देखिए, इसका दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक होता है दा, एक होता है दी। तो हम लोग जनरली इसको दाई कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्कूल टाइम में, है ना। अगर हम लोग जनरली बात करने के समय कहें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग जानकारी इसलिए रख रहे हैं, अगर हम लोग परफेक्शन चाहे तो परफेक्शन हम लोग को पता रहना चाहिए, है ना। तो क्या ए टेबल के जगह अगर हम लोग ए के जगह अगर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो क्या होंगे वो प्रोनाउंसिएशन होंगे द टेबल, द चेयर, द पेन, द हॉर्स, द स्टूडेंट, तो ऐसे इस्तेमाल होंगे। वैसे एन के बदले में हम लोग अगर डिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो क्या होंगे, एन एम ए की जगह हो जाएंगे डी एम ए, डी एम एल ए, डी एस डी ओ, डी आवर, डी आवरली मीटिंग, है ना, ऐसे हो जाएंगे। तो सेम टू सेम ऐसे इसमें भी होंगे, क्या एन के जगह हम लोग अगर डिफरेंट आर्टिकल बैठा है तो वो प्रोनाउंसिएशन होंगे डी एपल, डी एगल, डी ऑरेंज, डी आईलैंड, डी आई एस, डी अम्ब्रेला, है ना। वैसे ही ए यूनिवर्सिटी के बदले अगर हम लोग यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो हम लोग कहेंगे द यूनिवर्सिटी, द यूनिफॉर्म, द यूनियन, है ना, द स्कूल थिंग, ऐसे कहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जानकारी रखते हैं, है ना। अगर हम लोग को अगर कभी अगर मौका मिले या चर्चा का समय मिले तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं परफेक्शन के लिए, नहीं तो सब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, द ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब प्रेसिडेंट के नाम लेंगे वो तो सर्वेसर्वा है, है ना, कोई किसी सम्राट के नाम लेंगे किसी भी देश के, तो हम लोग दी से शुरू करेंगे, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और से दी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और से। लेकिन अगर किसी प्रबंध में, अगर किसी रिपोर्ट में अगर बहुत सारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखने का रहे, तो ये फ्रेज रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दी कहेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, दा कहते रहेंगे हर एक बार, ठीक है। तो चलते हैं अब रूल की तरफ, रूल क्या कह रहा है, यहाँ के रूल कह रहे हैं कि किसी भी नदी है ना, अगर हम लोग कहें उसके सामने हमेशा हम लोग को आर्टिकल बैठना चाहिए, जैसे दा गंगा, दा यमुना, है ना। तो वैसे ही हम लोग क्या, किसी मरुस्थल के नाम, किसी सागर के नाम के सामने हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, है ना, जैसे दी अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द कैस्पियन सी, वैसे किसी पर्वत श्रृंखल, या जैसे क्या, जैसे देखिए यहाँ पर्वत श्रृंखल क्या, द हिमालय, दी अरावली, द वेस्टर्न घाट्स, ऐसे हम लोग कहेंगे किसी पर्वत श्रेणी के नाम के सामने। वैसे कोई अगर छोटा छोटा द्वीप मिलके, बहुत सारे द्वीप मिलके अगर कोई देश गठन करे या एक साथ कुछ मतलब प्रदेश गठन करे तो हम लोग क्या उसके सामने भी आर्टिकल बैठेंगे, जैसे क्या द वेस्ट इंडीज, दी अंडमान, है ना, द फिलिपाइन, ऐसे किसी टाइटेनिक या किसी जहाज के, किसी जल जहाज के सामने, है ना, पनिया जहाज कह सकते हो आप, ठीक है, पानी में चलने वाले जहाज के सामने क्या हम लोग क्या हमेशा क्या करेंगे, एक आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्या जैसे द टाइटेनिक, दी आदित्य, दी विक्रांत, ऐसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। वैसे डेली न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में आते हैं उन लोगों के सामने हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आर्टिकल बैठाते हैं, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेटमैन, है ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, ऐसे कोई भी ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक स्थान या हिस्टोरिकल प्लेस क्या कहते हैं हम लोग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द विक्टोरिया मेमोरियल, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे किसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जो होते हैं, जैसे क्या द भगवद गीता, द रामायण, है ना, ऐसे मुस्लिम लोगों के लिए इस्लाम में जैसे है द कुरान कहेंगे हमेशा, ठीक है। हम लोग इस धर्म के ग्रंथ को हम लोग हमेशा रेस्पेक्ट से करेंगे, क्यों, क्योंकि रेस्पेक्ट करने से रेस्पेक्ट मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे कोई पब्लिक प्लेस है ना, तो सरकारी कोई स्थान जो हमेशा लोगों के लिए बनाया गया हो तो क्या द पार्लियामेंट, है ना, द प्रेसिडेंट हाउस, ऐसे हम लोग कहेंगे। वैसे जो हम लोग क्या स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना, क्या हम लोग कुछ मनाते हैं वैसे उसके सामने भी हम लोग क्या हमेशा आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे क्या द इंडिपेंडेंस डे, है ना, कोई अगर रेल हो उसके सामने भी हम लोग क्या आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, द राजधानी, द दुरंतो, वैसे क्या प्लेन के सामने भी हम लोग क्या द पवन हंस, द इंडियन एयरवेज, जैसे कि हम लोगों ने देखे कि आपका पानी में चलने वाले जहाज के सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यहाँ डाटा टेक्निक, तो हम लोग ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे कोई मरुस्थल है ना, उसके सामने भी क्या हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे द थॉर, द सहारा,
वैसे ही कोई जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, जैसे द गंगेटिक प्लेन या द गंगेटिक प्लेन कहिए, द डेक्कन प्लेटू कहिए, हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे उसका। या क्या कोई छोटे छोटे देश समूह अगर गठित हो गए, कोई मतलब संयुक्त राष्ट्र गठित किया है, तो उसके सामने भी हम लोग क्या आर्टिकल लगाएंगे, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। कोई जीव अगर समग्र प्रजाति के कोई लक्षण जो है प्रकाशित करते हैं या दर्शाते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे क्या, द पॉलिटिशियन आर नॉट ऑनेस्ट, द रिच आर नॉट ऑनेस्ट, तो क्या हम लोग रिच मैन नहीं कहेंगे, रिच मैन कहेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएंगे, कुछ लोगों को समझाएंगे, लेकिन अगर समग्र प्रजाति को समझाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, द रिच आर नॉट ऑनेस्ट, है ना, द पॉलिटिशियन आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऐसा ही अगर द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, है ना, द काउ इट्स ग्रास, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी प्रजाति को दर्शाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, उसके सामने आर्टिकल लगाएंगे। इस विश्व ब्रह्मांड में, दुनिया में जो एक लौता चीज है या इस विश्व ब्रह्मांड में जो लौती चीज हो रहे हैं, उसके सामने हमेशा के आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे क्या, दी अर्थ, द ओस्ट, द सन, द स्काई, ठीक है। वैसे ही किसी सुपरलेटिव डिग्री के सामने या किसी कॉन्टेस्ट के सामने क्या, जैसे ही इज द बेस्ट, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द बेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, तो क्या हो गए, द बेस्ट हो गए। तो ऐसे ही आप देखिए, सैमुअल इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, मतलब क्या हो गए, क्या इसको क्या क्लेवरेस्ट करे, उसके सामने क्या द लगाए हैं, ठीक है। वैसे देखिए, आप किसी निर्दिष्ट क्षेत्र को समझाना चाहते हैं, जैसे कि पिकू स्टैड एट मी इन द फेस या इन माई फेस कह सकते हैं, तो उसको यहाँ क्या, यहाँ द लग गया। वैसे क्या, इन माई फेस, एट माई फेस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वैसे इस सेंटेंस में देखिए, क्या लक्ष्मण वॉज वॉन्टेड इन द लेग, मतलब क्या, द क्यों इस्तेमाल किया, इसको लेग को समझाने के लिए, लेग को दर्शाने के लिए हम लोगों ने यहाँ द का इस्तेमाल किया, ठीक है। वैसे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब क्या, जो हम लोग ऑड लगे जो चीज, जैसे कि देखिए, द मदर इन हर कुड नॉट बियर द साइट, ठीक है, साइट, तो क्या मदरली फीलिंग, या मान के चलिए किसी बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसका माँ वो देख सकेंगे नहीं सकेंगे, तो ही कह रहा है कुड नॉट बियर, है ना, वो सहन नहीं कर सकते ये दृश्य। वैसे टेक द बीस्ट इन यू, देखिए ये लोग जो है सूट बूट पहन के क्या कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या, या मार रहे हैं, तो क्या ये सूट बूट पहन के कभी मतलब सुहाते हैं, क्या सुहा देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये जो क्या आपके अंदर जो जानवर है उसको आप देखिए, ये कह रहा है सेंटेंस, टेक द बीस्ट इन यू, है ना। तो उसके बाद आप जैसे यहाँ देखे, किसी निर्दिष्ट किसी अंचल को या क्षेत्र को आप समझा रहे हैं, वैसे आप किसी निर्दिष्ट अंश को अगर समझाना चाहे तो भी आप क्या ये द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या, ही लाइक्स द योक, योक मतलब क्या है, जो योल है ना, इसको योक कहते हैं, ठीक है, जर्दी है ना, या जर्दी की थैली है, जो भी समझे आप, ठीक है, तो क्या इसको क्या कहते हैं, योक कहते हैं। तो क्या, ही लाइक्स द योक ऑफ एन एग, तो ऐसा ही है कि आप ये सेंटेंस जो ऐसे भी ले सकते हैं, ही लाइक्स योलो पार्ट ऑफ द बॉइल्ड एग, है ना। वैसे कि he entered the deep of sea, मतलब क्या, वो समुद्र के बहुत अंदर चले गए थे। वैसे he entered the thick of the forest, मतलब क्या, वो जंगल के, घने जंगल के अंदर चले, बहुत अंदर चले गए थे, ऐसे कुछ ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे आगे देखिए, हम अगर इस सेंटेंस में अगर सेकंड को अगर लेटर में लिखे या है ना अल्फाबेट में लिखे, तो क्या हम लोग को क्या इसमें आर्टिकल लग सकते हैं, लगाना पड़ेगा कब, जॉर्ज या सम्राट के सामने। वैसे आप अगर यहाँ फोर्थ कहें इसमें लेटर में, तो आपको क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, आप द लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको रोमन में लिखे तो आप यहाँ कभी भी आर्टिकल नहीं बता सकते हैं। ये तस्वीर जो है ये कह रहा है, ठीक है, ये जो कह रहा है, ये रूल जो कह, ये कह रहा है, ठीक है। वैसे ही किसी आपका इंस्ट्रूमेंट के सामने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने हमेशा आप क्या द का इस्तेमाल कर सकते हो, या डिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हो, द हारमोनियम, द गिटार, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे क्या, जैसे हम लोगों ने इसमें क्या प्रोपर नाउन को अगर हम लोग कॉमन नाउन में इस्तेमाल किए थे करते हैं, तो हमें क्या ई या दी लगाना पड़ते हैं। वैसे क्या, वैसे यहाँ है क्या, हम लोगों ने क्या आइंस्टीन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बट अगर हम लोग अगर इस बच्चे को अगर आइंस्टीन संबोधित करना चाहें, तो हम लोग कहेंगे कि ही इज आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या आइंस्टीन बोल के हम लोग आइंस्टीन कह के इसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वैसे इस तस्वीर में देखिए कि ग्रेट, ग्रेट लेट, ग्रेट इमोर्टल, इमोर्टल, ठीक है। तो ये जो है एडजेक्टिव, क्वालिफायर एडजेक्टिव, इसके सामने हमेशा क्या करेंगे हम लोग आर्टिकल का, डिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट पोइट रविंद्रनाथ टैगोर, द लेट पंडित नेहरू, द ग्रेट महात्मा गांधी, द इमोर्टल गांधी, ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
वैसे मेटल नाउन को अगर हम लोग कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल करें तो हमें क्या, हमें उसके सामने आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे वाटर इज ए लिक्विड मटेरियल, मतलब क्या, ये तस्वीर को दर्शा रहा है वाटर लिक्विड है इसलिए ये दिखा रहा है। लेकिन द वाटर ऑफ गंगा अगर समग्र गंगा जी के पानी को अगर समझाया जाए तो क्या द वाटर ऑफ गंगा कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या और क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तस्वीर में जैसे देख सकते हैं क्या, टू गिव द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव, मतलब क्या सिंगर ये सब क्या आपका, ही इज द सिंगर ऑफ द डे, है ना। क्या हम लोग क्या इसको क्या हम लोग और क्या कर रहे हैं इसको और फोर्स कर रहे हैं, वैसे दिस इज द कमेंट ऑफ द डे, है ना। ही इज द प्लेयर ऑफ द मैच, ही इज द मैन ऑफ द मैच, ऐसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमेशा इस सब को, इस सब सेंटेंस को, तो ऐसे ही है। और क्या हम लोगों ने पहले क्या देखा, हम लोगों ने इस तस्वीर में देखे थे क्या एप्पल सेल्स 80 रुपीज़ 1 किलो, तो ऐसे क्या हम लोग क्या बनाना आर सोल्ड बाय द डोजन, पर डोजन के बदले में हम लोग अगर द डोजन लगाए बाय द डोजन लगाए तो स्टैंडर्ड इंग्लिश हो गया। वैसे वर्कर गेट्स पेड बाय द मंथ, मतलब क्या ये जो मजदूर है वो क्या वो महीना के हिसाब से उसके उसको पैसे दिए जाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।